हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश विथ रंजन सर यूट्यूब चैनल। और डियर, आज हम आपके लिए लेकर आए एसबीआई क्लर्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो डियर, मैं एक बात यहां पे बता दूं, शायद एक आध कमेंट्स वैसे थे कि सर ये तो बड़ा इजी वाला है। तो डियर, अभी मैं आपको इजी वाला ही करा रहा हूँ। नेक्स्ट जैसे ही हम लोग चलेंगे, फिर इसके जो नए पैटर्न के जो भी क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी हम आपको इजी ग्रामर इजी जो स्पॉटिंग एरर लेके मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। देन हम लोग नए पैटर्न वाले जो भी क्वेश्चन होंगे उसे भी हम करने की कोशिश करेंगे। और जितने सारे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पिछले ईयर या पिछले से पिछले ईयर जो भी पूछा गया होगा, जो भी आपको नए पैटर्न पर होगा, मैं सारा आपको कराऊँगा। चलिए देखते हैं कि आज सेट टू में आपके लिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो डियर, ये बार बार मैं बता दूं आपको फिर से कि इंस्ट्रक्शंस आप ज़रूर पढ़ेंगे कि किस तरह से इंस्ट्रक्शन, चूंकि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि इंस्ट्रक्शन पढ़ना आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़िएगा, देन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ भी वही सेम इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि किसी पार्ट्स में एरर है और किसी पार्ट में नहीं एरर है, और उसी को आपको ढूंढना है जिस पार्ट में एरर आपका है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। डियर, सबसे पहला क्वेश्चन है, आराम से पढ़ेंगे, कोई भी हड़बड़ी आप मत कीजिएगा। लाइक ड्यूरिंग द होलीडेज I am often worked in my uncle's shop to earn some pocket money and no error. अब इसमें पढ़ने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि एरर, सुनने में कहीं भी एरर नहीं पता चलता है, लेकिन डियर जब हम करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे ड्यूरिंग द होलीडेज मतलब होली डेज के दौरान, छुट्टियों के दौरान। आई एम, तो डियर पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आई एम के साथ वी थ्री लगाते हैं, मतलब वर्ब टू बी के बाद आई एम एज या आर के बाद आप वी थ्री लगाते तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो जाता है। मतलब कोई काम सब्जेक्ट करता नहीं है, बल्कि कोई भी काम, जो काम आप करना चाहते, कोई भी एक्शन, वो सब्जेक्ट पे ही किया जाता है। इस केस में हमें ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा काम किया जा रहा। आई एम ऑफन वर्कड, अब यहाँ पे आई एम के साथ वर्क लगाया और वर्क के बाद कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, क्योंकि कोई अगर ऑब्जेक्ट होता या कोई काम होता जो कि सब्जेक्ट पे किया जाता, लेकिन यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि आई ऑफन वर्क, मतलब मैं प्रायः काम करता था या करता हूँ, था नहीं, मैं प्रायः काम करता हूँ। तो यहाँ पे जो डियर लिखा हुआ ना एम और वर्कड, ये हमारा गलत है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, आई ऑफन वर्क करेक्ट सेंटेंस होगा, आई ऑफन वर्क, क्योंकि वर्क एक ऐसा वर्ब है जो इनट्रांजिटिव है, इसके साथ हम कुछ लगा ही नहीं सकते, पैसिव वॉइस इसका हम नहीं बना सकते, आई एम वर्क या इट इज वर्कड। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये वर्क यहाँ पे इनट्रांजिटिव है। तो जब इनट्रांजिटिव से अगर हम कोई सेंटेंस बनाते हैं डियर, अगर हम इनट्रांजिटिव वर्ब लेकर के, अगर इनट्रांजिटिव वर्ब लेकर कोई बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट इनट्रांजिटिव वर्ब आएगा। रिगार्डिंग कब, जब ये हमारा V1, V5 और V2 में होगा, बीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकता है। अगर कोई इंट्रांजिटिव वर्ब लिखा गया है तो अगर वो V1 या V5 या V2 में आया है तो बीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। यहाँ पे हमें समझ में आ गया क्या होना चाहिए, आई ऑफन वर्क एम हटेगा और ये वर्कड है जो वर्क में चेंज होगा, आई ऑफन वर्क इन माई अंकल शॉप टू अर्न सम पॉकेट मनी। आई होप समझ में आया होगा कि यहाँ पे वर्क के साथ और एम के साथ दिक्कत आपको दिया गया था। चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। द एक्सप्लेनेशन डैट ही गेव, डियर देखेंगे डैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के जैसा यूज किया गया है, डैट ही, अब यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया। डियर अगर ही के जगह पे कोई वर्ब होता है तो आप सभी को पता होगा कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब डालना होता है तो उसके वाले नाउन के हिसाब से अरेंज होता है। और कभी कभी आपको क्या मिलता है कि यहाँ पे डैट के पहले जो आया है इसके लिए वर्ब कहीं आगे मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें किस तरह का दिया हुआ है। That he gave, मतलब यहाँ पे आ गया he gave for missing the meeting were not satisfactory. अब dear मैंने आपको पिछले वीडियो में ट्रिक बताया था कि हम जब भी देखेंगे सबसे पहले हमें वर्ब फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे हमारा gave है और एक हमारा वर्ब है वर। अब gave का सब्जेक्ट तो हमें एज इट इज पता चल जा रहा है कि ही है, लेकिन वर का सब्जेक्ट कहाँ है। अब वर के सब्जेक्ट को ढूंढने की कोशिश करेंगे तब जाकर के आप पता कर पाएंगे कि वर का जो सब्जेक्ट है वो एक्सप्लेनेशन है। द एक्सप्लेनेशन वर नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अब जरा करके इसको देखिए अलग। द एक्सप्लेनेशन वर नॉट सेटिस्फैक्ट्री, डियर एक्सप्लेनेशन हमारा सिंगुलर नाउन है और इंग्लिश में रूल है हमारा कि एस के साथ एस लगता है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, प्लूरल के साथ
प्लुरल वर्ब लगता है। तो डियर यहाँ पे वर ना हो करके ये क्या होगा, वाज होगा। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी कि यहाँ पे हम हमेशा वर्ब पहले फाइंड आउट करेंगे और देन ढूंढेंगे इसका सब्जेक्ट, मैच कराने की कोशिश करेंगे कि इसका सब्जेक्ट आखिर कहाँ है। तो यहाँ पे आंसर हमें मिला नंबर 4 में एरर है कि वर के जगह पे वाज होगा। रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे वर के जगह पे वाज क्यों होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मिस्टर सिंह सन, मतलब सिंह का सन, मतलब जो सिंह जी का है उनका बेटा, हैज़ अप्लाइड टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। अब इसमें एरर कहाँ है, थोड़ा सा मैं बताऊँ डियर कि जब हम यहाँ से शुरू करते तो सब्जेक्ट हमारा कौन है, सन। और अगर सन की अकॉर्डिंग हम वर्ब की बात करें तो सन के अकॉर्डिंग हैज़ आया, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि इसको आप प्लुरल मान रहे हैं, ये यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है और ये रिलेशन बता रहा है सिंह के साथ, किसका, सन का। तो सिंह जी का सन जो है हैज़ अप्लाइड टू, अब डियर देखेंगे ये जो अप्लाई एक वर्ब है, अप्लाई अपने साथ टू नहीं लेता है। अब जानना पड़ेगा हमें कि अप्लाई के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आगे फिट बैठता है। तो अप्लाई के साथ हम प्रेपोजिशन लगाते हैं फोर, कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं फोर। तो अप्लाई के साथ यहाँ पे होना चाहिए था अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। अब डियर देखेंगे कुछ संभावनाएं कि कहाँ पे हमें एरर और दिया जा सकता था। ये आर्टिकल ये अगर रिमूव कर देता तो आई होप बहुत कम स्टूडेंट्स पकड़ पाते कि इसमें कहीं भी कोई एरर है। डियर यहाँ पे अगर ए हटा दिया जाता तो बहुत बड़ा ये बोल सकते ब्लंडर हो जाता कि कंस्ट्रक्शन कंपनी, कंपनी एक सिंगुलर है और सिंगुलर नाउन हमें पता है कि अगर कोई कॉन्टेबल सिंगुलर नाउन है तो इस कॉन्टेबल नाउन के पहले हमें आर्टिकल ए एन का यूज जरूरी करना होता अगर वो कॉन्टेबल है और सिंगुलर नंबर में है। आई होप यहाँ पे जो भी संभावनाएं थी हमने देखा कि ये यहाँ से हटा के दिया जा सकता है और एरर हमने फाइंड आउट किया कि टू के जगह पे क्या होना चाहिए, अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। बिसाइड द चेयरमैन ऑल द कमिटी मेंबर्स वर प्रेजेंट एट द शेयर होल्डर्स मीटिंग। मतलब अब ये कहना क्या चाह रहा है कि ऑल द कमिटी मेंबर्स, मतलब जो भी कमिटी मेंबर्स थे सारे के सारे प्रेजेंट थे। तो डियर यहाँ पे देखें कि वर्ब प्रेजेंट सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि कमिटी के लिए यूज़ किया गया, उनके मेंबर्स के लिए यूज़ किया, कमिटी के मेंबर्स के लिए यूज़ किया गया है एट द शेयर होल्डर्स मीटिंग। अब इसमें एरर है कहाँ, जो शुरू हमें करेंगे बिसाइड द चेयरमैन, बिसाइड द चेयरमैन का मतलब क्या कि चेयरमैन के बगल में, बट यहाँ पे ये चेयरमैन के बगल में ना कह के ये कह रहा है कि चेयरमैन के अलावे। मतलब यहाँ पे जो हिंदी मीनिंग अगर मैं लिखूँ तो हिंदी मीनिंग आ रहा है के अलावे, कि चेयरमैन के अलावे ऑल द कमिटी मेंबर्स वर प्रेजेंट। तो डियर अगर के अलावे या को छोड़कर हिंदी में मीनिंग चाहिए तो हमें प्रेपोजिशन यूज करना होता है बिसाइड्स, क्या यूज करना पड़ता है बिसाइड्स। मतलब देखिए कितना छोटा सा मिस्टेक, द माइनर सा मिस्टेक है यहाँ पे कि हमें ई तक तो दिया गया है, बिसाइड दिया गया है, इसमें से सिर्फ क्या हटा दिया गया है, एस हटा दिया गया और यहाँ पे एस आना जरूरी है तभी जाके हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा कि बिसाइड द चेयरमैन ऑल द कमिटी मेंबर्स वर प्रेजेंट एट द शेयर होल्डर्स मीटिंग। आई होप समझ में आया होगा यहाँ पे प्रेपोजिशन का एरर है कि यहाँ पे बिसाइड ना होकर के बिसाइड्स होगा। अगला देखते हैं हम मेनी कस्टमर्स, अब देखेंगे शुरू से मेनी कस्टमर्स, मेनी है इसके साथ नॉन हमारा कैसा आता है प्लुरल आता है और यहाँ पे कस्टमर्स यूज किया गया कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखेंगे कस्टमर्स के साथ हैव यूज़ किया गया ये भी सही है क्योंकि ये प्लुरल है तो सब्जेक्ट भी हम सॉरी वर्ब भी इसके साथ कैसा लगा है प्लुरल लगा है। कंप्लेंट, अब हैव के साथ हमारा वी थ्री फॉर्म आता है तो ये भी हमारा सही है। बिकॉज, अब बिकॉज लगा दिया इट मीन्स एक कंजंक्शन आ गया। अब कंजंक्शन के बाद आगे जो सेंटेंस हम देखेंगे वो अगला नया सेंटेंस होगा हिज गुड्स। अब हिज गुड्स से अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये हिज किसके लिए आया है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं कॉन्सेप्ट बताऊँ आपको, जैसा मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें वर्ब ढूंढना है तो वर्ब हम ढूंढें, उसी तरीके से अगर आप सेंटेंस में पजेसिव एडजेक्टिव देख लें तो ये पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन आप ये ढूंढने की ज़रूर कोशिश करें कि लाइक माई, योर, आवर, हिज, दियर आया है तो किस नाउन के लिए आया, किस प्रोनाउन के लिए यूज किया गया है। अब यहाँ पे अगर मेरा क्वेश्चन है कि अगर हीज को पूछूँ कि हीज किसके लिए आया है तो आपका जवाब होगा कि सर कस्टमर्स के लिए आया है। तो डियर अगर हम कस्टमर्स की बात करें तो कस्टमर्स हमारा प्लुरल नाउन है, कैसा नाउन है ये प्लुरल है, तो इसके लिए जो प्रोनाउन होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए प्लुरल होना चाहिए, डैट इज़ दियर, क्या होना चाहिए था दियर।
Many customers have complained because their goods was inferior in quality. तो डियर अब समझ में आया कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हिज के जगह पे दियर होना चाहिए था। तो ये हमारा मेल कर रहा था कस्टमर से और कस्टमर के लिए ही यहाँ पे हिज का यूज़ किया गया था जो कि गलत है। तो डियर होगा इसका आंसर। और डियर एक मैं बात आपको बता दूँ कि कुछ लोग को शायद ये प्रॉब्लम हो रहा होगा कि सर आप पाँच ही क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं। डियर ये मैं पाँच क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं बेसिक आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका होता है। जैसे ही मैं नए पैटर्न पे लाऊंगा, नए पैटर्न पे आपको पूरे के पूरे 10 स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन मैं एक सेट में लूंगा। जो भी स्पॉटिंग एरर होंगे वो मिनिमम क्वेश्चंस मैं 10 रखूंगा जब वो नए पैटर्न वाला मैं लेकर आऊंगा। आई होप डियर वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो को, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा डियर। और एक और बात मैं बता दूँ, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं englishgurulive.com, यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर, मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।